हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक यूट्यूब बैनर कैनवा की हेल्प से। कुछ ऐसे मैंने बैनर बना के तैयार करा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ ऐसे और ऐसे भी बनाए मैंने बैनर, कुछ ऐसे बनाए, कुछ काफ़ी अच्छे अच्छे बैनर मैंने यहाँ बनाए, आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। और आप कैसे ऐसे बैनर बना सकते हैं कैनवा की हेल्प से, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अपनी वीडियो के लास्ट तक। चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप बगल में आप मेरे मॉल के स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कैनवा ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैनवा ऐप यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको गूगल से साइन इन मांगे, तो यहाँ पे आप गूगल से साइन इन आपको कर देना है। अब गूगल से साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है यूट्यूब बैनर। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं, मैं सर्च करा यूट्यूब बैनर। इसमें फ्री कौन से हैं, पेड कौन से, उनको बताऊंगा। बैनर बनाने के लिए जो भी टूल्स हैं उन सभी का यूज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। आपका अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियो लास्ट तक आपको कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको ये कैसी लगी। 4622 तक यहाँ पे टेम्पलेट है, मतलब 4600 यहाँ पे बैनर्स है। यहाँ पर काफ़ी आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाती हैं। इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके और अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे पहला वाला फ्री है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे बैनर है। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और ऊपर करते हैं और ऊपर करते हैं। मैं आपको सबसे पहले पेड वाले बताता हूँ, ये हैं। यहाँ पे इसमें लिख रहा है ना प्रो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन है प्रो लिख रहा है, प्रो ताज वाला आइकन है ना, तो ये हमारा पेड वाला है। तो यहाँ पर हम ये वाला बैनर ले लेते हैं, ये वाला फ्री भी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, तो इस वाले बैनर को हम यहाँ पे ले लेते हैं ना। जो सर्कल के बीच में ये फोटो है ना लड़की का, इसको हम हटाकर अपना लोगो या अपना फोटो लगा सकते हैं। इस पर हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे फोटो पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे रीप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ रीप्रेस पे हम करते हैं क्लिक। इस पर क्लिक करने पर यहाँ पे अपना वो एक फोटो में ऐड कर लेता हूँ, जो भी मेरा एक अच्छा सा फोटो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा फोटो ऐड हो चुका है ना। टेक्स्ट ऐड करते हैं हम, यहाँ पर पहले वाले टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम एडिट वाले ऑप्शन पे करते हैं क्लिक और यहाँ पर हम ले लेते हैं भविष्य। यहाँ पर गेमिंग को हटा के मैं अर्न लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे 1 मिनट के अंदर यहाँ पे बैनर बन के हो चुका है। काफी अच्छा बैनर है, लुक भी अच्छा, काफी अच्छा बैनर मेरे यहाँ पे बन के हो चुका है तैयार। तो इसको यहाँ पे ऊपर क्लिक करके हम डाउनलोड इसको कर लेते हैं ना। तो ऐसा आपको बैनर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मेरा बैनर है जो डाउनलोड हो रहा है। बैनर बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स दिए गए, इनको यूज कैसे करते हैं ना सही तरीके से, वो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं। तो ये हमारा बैनर हो चुका है डाउनलोड है ना। अब मैं आपको एक एक करके इसका टूल का यूजेस बताता हूँ। तो सबसे पहले आप नीचे देख सकते हैं डिजाइन का ऑप्शन है, डिजाइन पे हम करते हैं क्लिक। डिजाइन पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप दूसरी टेम्पलेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरी टेम्पलेट ले सकते हैं ना। अगर आपको टेम्पलेट नहीं लेना चाहता, कलर लेना चाहते हैं, तो यहाँ स्टाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कलर भी ले सकते हैं, यहाँ कलर पे क्लिक करके ब्लैंक कलर ले सकते हैं। अब हमारा ऑप्शन है एलिमेंट। एलिमेंट पे हम करते हैं क्लिक। एलिमेंट का मतलब होता है जैसे कोई ट्राइंगल हुआ हमारा है ना, या कोई सर्कल हुआ, या कोई मतलब एरो वगैरह हुआ। तो अगर कुछ फोटो ऐड करना था, यहाँ फोटो है ना ये वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर सब्सक्राइब का बटन ऐड करना है तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा सब सब्सक्राइब आ चुका है। कोने पकड़ के हम छोटा कर लेते हैं इसे और यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे लगाने के बाद हम ये एलिमेंट पे दोबारा क्लिक कर लेते हैं है ना। और कुछ ऐड करना तो यहाँ पर आप ऐड भी करते हैं, एरो वगैरह कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे, जो शेप से ऐड करने है वो कर सकते हैं। ग्राफिक्स में कुछ ऐड करना है, यहाँ पर ग्राफिक्स में काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है, जी मुझे मालूम भी नहीं थी। ये इस पर क्लिक करा मैं सर्कल वाली पे, तो ये मेरे सर्कल के पीछे लग चुका है, देख सकते काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसा आप इसको ऐड कर सकते हैं ना। अब एलिमेंट के बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे टेक्स्ट का। अगर आप अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहते हैं, अपने स्टाइल में लिखना चाहते हैं कुछ है ना, तो ऐड हेडलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे बनी बनाई टेम्पलेट मिल जाती है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री भी हैं, या जिस पे प्रो लिख रहा है वो पेड है, इसका आपको पैसे देने पड़ेंगे यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कोई सी एक फ्री यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि ये वाले, इसको हम साइड में ले लेते हैं। तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन में आप नीचे आपको क्लिक करना है, आप एडिट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है गैलरी का। अगर आप कुछ गैलरी से यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसको हम अपलोड पे करते हैं क्लिक। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं। हम अपनी गैलरी से उठाकर यहाँ पर हम रख सकते हैं कुछ भी चीज़, जैसे कि यहाँ पर मैं ये वाला लोगो ले लेता हूँ, अपलोड में आ चुका है। यहाँ पर इस वाले स्टोरेज में आ चुका है। एक फोटो ले लेता हूँ ईमेल ऐप का है ना, तो इसमें आप अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से इसे फोटो वगैरह ले सकते हैं। डिलीट कर देता हूँ मैं। फिर हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पर ड्रॉ करने का। तो आप कोई सा भी इसमें एक पेंसिल या कुछ लेकर और अपना साइज सेलेक्ट कर कौन सा कलर यूज़ करना है वो कलर यूज़ कर सकते हैं। और पेंसिल का साइज क्या रखना है वो आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। ट्रांसपेरेंसी क्या रखनी है वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ है ना, ऐसा आप कलर कर सकते हैं। जैसे आपको ये कलर हो गया, इसको बैक कैसे करना, ऊपर ये एरो दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, इस पर क्लिक करेंगे ये बैक हो जाएगा। ऐसा आपको बैक करना कि ये आपको बैनर है ना, इसको चारों तरफ जो कोने बने हुए हैं इस पर आपको क्लिक करना है। ये पीछे के बैकग्राउंड आपको हटाना है, इस पर आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए चारों तरफ लाइन आ चुकी है ना, तो इसमें हम रिप्लेस पे क्लिक कर सकते हैं। अपनी तरफ से कुछ इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो इमेज यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। जिसके मैं इस वाली इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने इस वाली ये वाली इमेज ऐड कर ली तो है ना, तो इसको ऐड कर सकते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं तो यहाँ क्रॉप भी कर सकते हैं। आप इसको मिटा लेता हूँ। एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट पे क्लिक करके, एडजस्ट पे क्लिक करें, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिल्टर पे क्लिक कर लेते हैं। फिल्टर पे हम इसका क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा। इस पर ये कलर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो फिल्टर पे क्लिक करके आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वीडियो बन जाएगी, आपका ये बैनर नहीं रहेगा। तो हम इफेक्ट पे क्लिक नहीं करते। इसका यूज़ कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। इफेक्ट पे क्लिक करके आप इसमें इफेक्ट दे सकते हैं काफ़ी अच्छे। इसको हम यूज़ में नहीं लेते हैं। फिर ऐप का ऑप्शन है, ऐप को छोड़ देते हैं। कलर का ऑप्शन, कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप कलर पे क्लिक करें तो आपको पूरे बैकग्राउंड का कलर ही चेंज हो जाएगा। जैसे मैं ब्लैक कर लेता हूँ तो जैसे मैं ब्लैक हो चुका पहले जैसा। यहाँ पर आपका फ्लिप का ऑप्शन है, फ्लिप का। मेरा फेस इधर है ना, इसको इधर करना चाहता हूँ या इसको उल्टा करना चाहता हूँ तो वो कर सकते हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि इस वाली ये लाइन है, वाइट कलर की लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी चीज साइड में है ना, इसको मैंने इधर कर दिया घुमा कर, है ना। इसको ऊपर कर दिया मैंने और नीचे कर दिया। तो ये फ्लिप का ही ऑप्शन होता है। यहाँ एनिमेशन पे क्लिक करेंगे आप तो इसमें एनिमेशन दे सकते हैं। ये आपकी वीडियो बन जाएगी, इसको एनिमेशन का यूज़ नहीं करना। आप ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं। हम इसको हम हल्का कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेयर पे क्लिक करेंगे, कौन सी चीज़ हमारी किस नंबर पर है तो ये यार पहले नंबर पर, इसके नीचे ये, इसको उठाकर आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेयर के बाद यहाँ पे मोर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं। इसको कॉपी स्टाइल भी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और डिलीट इमेज भी कर सकते हैं। कमेंट करना है या आपको लॉक बैकग्राउंड करना है या आपको ऐड अ पेज करना, दूसरा पेज ऐड करना, ऐड करना है वो कर सकते हैं। नोट लिख सकते हैं जो बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करेंगे उसके फीचर से, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाउंट पे इसकी स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं इसकी स्टाइल वगैरह चेंज हो रही है ना, इसका आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट की जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। फाउंट साइज पे क्लिक करेंगे तो इसका आप साइज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बढ़ा लिया मैंने, कम भी कर दिया। तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा कम कर लेता हूँ साइज इसका, इसको। फिर साइज के बगल में ऑप्शन है कलर का। अगर कलर करना चाहते हैं तो कलर भी आप अपने हिसाब से यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर्मेट आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं या इसके अक्षर को थोड़ा हल्का टेढ़ा करना चाहते हैं या नीचे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं। अंडरलाइन मैंने क्लिक किया तो अंडरलाइन हो चुकी है। अगर आप अक्षर को बीच में से काटना चाहते हैं तो यहाँ से काट भी सकते हैं। अगर आप अक्षर को यहाँ साइड में लेना चाहते हैं या सेंटर में लेना चाहते हैं या इस साइड में लेना चाहते हैं या इस साइड में लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अगर आप इसको पॉइंट हाउस में लिखना चाहते हैं, है ना, पॉइंट में लिखना चाहते हैं या 1 2 3 के पॉइंट में लिखना चाहते हैं, इसको हम हटा लेते हैं, इसका यूजेबल नहीं है अभी इस समय। तो यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन है, इस पर करते हैं हम क्लिक। अगर आप लेटर का साइज चेंज करना चाहते हैं, लेटर का, है ना, लेटर का साइज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे शेडो लग जाएंगे पीछे। ये हमारे इफेक्ट हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनका आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ भी कर सकते हैं। फिर एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है आपको। एनिमेशन का यूज़ नहीं करना, नहीं तो आपकी वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। फिर ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करते हैं। फाउंट है ना, उसकी ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं। फिर लेयर का ऑप्शन है, कौन सी लेयर किसके नीचे वो चीज़ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फोटो पे क्लिक करा, यहाँ पे आपको रिप्लेस का ऑप्शन होता है, रिप्लेस करके आप फोटो चेंज कर सकते हैं। क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो फोटो को आप काट भी सकते हैं। एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैजिक स्टूडियो फिल्टर का है, फिल्टर से आपके फोटो कलर चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इफेक्ट लग जाएंगे यहाँ पर। इफेक्ट का हम यूज़ नहीं लेते हैं यहाँ पर। कलर करना चाहते हैं कलर भी कर सकते हैं आप। आपका फोटो हट जाएगा, एकदम कलर हो जाएगा आपका। फ्लिप का ऑप्शन से आप मतलब कि वही फोटो को आगे या पीछे कर सकते हैं, ऊपर या नीचे कर सकते हैं। एनिमेशन लगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। लेयर पर क्लिक करके वही ऑप्शन है हमारे, जिनका यूज मैंने आपको बता दिया। पोजिशन पर क्लिक करके पोजिशन सेट कर सकते हैं आप, है ना, वही पुराने ऑप्शन है इसके। इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ऐसा आपको ये डाउनलोड करना है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह था, मेरे कमेंट में बता सकते हैं। अगर मुझे से कुछ स्टेप इसमें छूट गया तो कमेंट ऑप्शन आप बता सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से तो अभी आप कमेंट ऑप्शन में बता सकते हैं। और वीडियो कर दें लाइक, चैनल को लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लें प्रेस। तब तक के लिए एंड स्क्रीन पर आपको एक लोगो बनाने वाली वीडियो देख रही है, उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने चैनल के लिए एक अच्छा प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। इस वाली वीडियो पर क्लिक करें, आप लोगो बनाना काफ़ी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।